Hi everybody, Namaskar. In today's video, we are going to talk about Article 32, which is the right to constitutional remedies and also writs and its types. ठीक है, तो अभी हम पार्ट थ्री डिस्कस कर रहे थे. पार्ट थ्री बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, फंडामेंटल राइट्स. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. हमने अभी तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स को समझा है, तो उन सभी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक फंडामेंटल राइट गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32. ठीक है, तो बाकी सारे वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, प्लीज़ उनको जाके देख लीजिएगा. लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स सी क्या है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 के साथ साथ आर्टिकल 226, ये दोनों आपके गारंटर हैं रिट्स के को लेके. जो आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होती हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में जा सकते हैं. बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, आर्टिकल 32 आपका पार्ट थ्री में आता है, विच इज़ योर फंडामेंटल राइट. ठीक है, इसका मतलब है कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है. हाउएवर आर्टिकल 226 ये पार्ट थ्री में नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है पार्ट थ्री में आते हैं 13 से 35, आर्टिकल 13 to 35. सो पार्ट थ्री में ये नहीं आता है, हेंस आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इट्स जस्ट एन आर्टिकल विच डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहाँ पे आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. राइट, तो लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन गिवन अंडर आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है जब भी किसी इंडिविजुअल की के फंडामेंटल राइट्स किसी भी केस में वॉयलेट होते हैं. इन दोज केसेस द रेमेडी इज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 बाई द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट that provides equality in every aspect, right? तो वहाँ पर आपको discriminate नहीं किया जा रहा है. अगर आपकी fundamental right किसी भी case में violate होती है, then these articles will be giving you the giving your fundamental right back, right? They will ensure कि आपको equality मिले हर aspect में. तो देखिए, एक डिफाइनिंग प्रिंसिपल है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें डिफाइनिंग प्रिंसिपल के हिसाब से. कॉमन लॉ का जो डिफाइनिंग प्रिंसिपल है वो है यूबी जस इबी रेमेडियम. इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. अगर आपको राइट गारंटीड है, तो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन एनी केस इफ दैट राइट इज बीइंग वॉयलेटेड, तो उसके लिए रेमेडी भी है. ठीक है, उसके लिए रेमेडी भी प्रोवाइडेड है. हिस्टोरिकली अगर बात करें, तो राइट टू अ रेमेडी हैज़ बीन अक्नॉलेज्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन ऑल लीगल सिस्टम्स. सभी लीगल सिस्टम्स में राइट टू रेमेडी जो है वो एक फंडामेंटल राइट के तौर पे गारंटी की गई है, एक्नॉलेज की गई है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, विच प्रोवाइड फॉर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट, दिस आर्टिकल इज अ फंडामेंटल राइट एंड गारंटीज इक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अवेलेबल टू हूम? सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. अब एक प्रोविजन है रिट का. रिट होती क्या है? तो बेसिकली अभी तक जितना हम समझ पाए हैं, रिट एक रेमेडी है, एक रेमेडी का प्रोसीजर है. ठीक है, इसको और डेप्थ में आगे समझेंगे. तो रिट पिटीशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड टू अ कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो किसी की राइट, किसी की फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रही है, तो दैट इंडिविजुअल एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट. राइट, तो आर्टिकल 32 क्या प्रोविजन दे रहा है आपको? जस्ट अ सेकेंड. आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स फॉर
द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए भी है ये कि अगर किसी इंडिविजुअल की राइट वॉयलेट हो रही है, दैट इंडिविजुअल कैन इटसेल्फ गो एंड वो एक रिट पिटीशन अप्लाई करेंगे, एक कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी राइट वॉयलेट हो रही है, आप इसके इन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए. एंड ऑल्सो आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर द कोर्ट, फॉर द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर किसी की राइट वॉयलेट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट्स को इशू कर सकती है. ठीक है, वील अंडरस्टैंड एक एक करके. तो बेसिकली रिट पिटीशन आपका एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जिसको कि कोर्ट को किया जाता है, इंडिविजुअल भी कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है, विच हैज़ बीन मेंशनड अंडर आर्टिकल 32. सो आर्टिकल 32 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर दीज राइट. ठीक है, आर्टिकल 32 को कई तरीके के टाइटल दिए गए हैं, उसको बिल्कुल याद रखिएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड कहा गया है फॉर दीज राइट्स. डॉक्टर अम्बेडकर हैड रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने, एंड ऑल्सो द वेरी हार्ट ऑफ इट. ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. ये ऐसे कई एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी कई बार ऐसे लोअर हैंगिंग फ्रूट्स टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि विच आर्टिकल या कौन सा प्रोविजन या किसने कहा है. ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी की ज़रूरत पड़ी, एक एग्जाम्पल से समझिए. जब भी हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, जब भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड, डायमंड, व्हाटएवर, वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट सेफ गार्ड. हम उसको कहाँ पे रखेंगे सेफली, उसको कहाँ प्लेस करेंगे, वी ऑल्सो थिंक अबाउट दैट. ठीक है, तो जब भी हमें कोई फंडामेंटल राइट मिल रहा है, गारंटी हो रहा है, देन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर इट्स सेफ गार्ड, कि अगर किसी केस में उस फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस राइट के सेफगार्ड्स के लिए हम कोई प्रोविजन रखें. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस समझिए. द मेयर डिक्लेरेशन, सिर्फ एक डिक्लेरेशन देके फंडामेंटल राइट का, सिर्फ एक गारंटी देके या डिक्लेयर करके कि हाँ एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन गारंटीड और द नॉन सिटीजन दे आर ऑल्सो गारंटीड फ्यू फंडामेंटल राइट्स, इट वुड बी मीनिंगलेस without proper safeguard. ठीक है, so मैं declaration of fundamental rights in the constitution is meaningless, useless and worthless without providing an effective machinery for their enforcement if and when they are violated. In the case they are violated, सिर्फ एक मेयर declaration, सिर्फ ये declare कर देना कि fundamental right provided है, इट वुड बी मीनिंगलेस. ठीक है, हेंस आर्टिकल 32 कॉन्फर्स द राइट टू रेमिडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपको गारंटीड हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लिव पीसफुली, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे राइट्स आपको गारंटीड हैं थ्रू फंडामेंटल राइट. एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स जो रेमेडी दी गई है वो भी एक फंडामेंटल राइट ही है. ठीक है, तो प्रोटेक्शन भी फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, दिस मेक्स फंडामेंटल राइट्स रियल. That is why Dr. Ambedkar called Article 32 as the most important article of the Constitution, an article without which this Constitution would be a nullity. ठीक है, इस article के बगैर Constitution बिल्कुल null होता, meaningless होता. All right, it is the very soul of the Constitution and the very heart of it. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर भी कहा गया है. Hence, it cannot be abridged or taken away even by way of an amendment to the constitution. तो आर्टिकल 32 को अब्रिज नहीं किया जा सकता, क्वाश नहीं किया जा सकता, इवन by the way of amending the constitution. आप constitution को amend करके भी इस provision को delete या alter नहीं कर सकते हो, ठीक है? Because ये एक बेसिक फीचर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बेसिक फीचर कहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल प्रोविजंस एसोसिएटेड विद आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ठीक है? तो आर्टिकल, सो फार वी हैव सीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. लेट्स डिस्कस द लीगल प्रोविजंस एसोसिएटेड विद देम. So, as we have already seen, Dr. Ambedkar has marked this article as the heart and soul of the Constitution. Now, why he has said so? Because it gives power to the Supreme Court to issue writs to enforce fundamental rights. Ye article individual ke saath saath Supreme Court ko bhi power de raha hai ki Supreme Court अपने एंड से रिट इशू करें. पांच तरीके के रिट्स हैं, वील टॉक अबाउट देम. अपने एंड से भी वो रिट इशू करें फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट इफ इन एनी केस द फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, ठीक है? तो द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट गोज अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है? तो ये जो पावर मिली है इनको रिट्स इशू करने की, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जाता है. वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि द पावर ऑफ कोर्ट टू हेयर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? आर्टिकल 32 आल्सो हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने समझा था आर्टिकल 13 में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आर्टिकल 13 का, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का एक पार्ट आर्टिकल 13 भी है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन ओपन है. ऑल राइट, तो आर्टिकल 30 के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है. मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट गोज अगेंस्ट एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो किसी भी आर्टिकल के अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है? Now let's talk about Article 226. Article 226 gives the power to the High Courts. High Court का article है ये. High Court को power दे रहा है ये to issue writs for the implementation of fundamental rights. एक और चीज है, you can directly go to Supreme Court. ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपकी fundamental right violate हो रही है तो आपको पहले High Court के पास जाना है. You can directly approach to Supreme Court. The only condition is, आपको answer करना पड़ेगा कि आप पहले High Court के पास क्यों नहीं गए. That's it. Supreme Court deny नहीं कर सकता. They have to take your case. You can directly approach to the Supreme Court, even before going to the High Court. ठीक है, it's an important point to note. तो Article 226 gives the power to the High Court to issue writs for the implementation of fundamental rights. This article also talks about equality in every aspect. Article 226 gives a wide array of power to the High Court with its concerning jurisdiction to issue writs against different bodies and other authorities in case of any violation of fundamental rights. So basically, ये क्या कह रहा है? Article 226 ने High Court को power दिया है कि वो किसी अपने jurisdiction के अंदर में किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को लेके या अलग अलग बॉडीज़ को लेके किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट रिट इशू कर सकती है इफ़ दैट बॉडी इज़ वॉयलेटिंग एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिट पिटीशन. अब रिट होती क्या है? लेट्स टॉक अबाउट रिट एंड इट्स 5 types, ठीक है? तो writ petition is a legal document that is filed in a court of law. ये एक legal document है जिसको file किया जाता है court में to request relief
फ्रॉम एन अथॉरिटी अगेंस्ट द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इफ एनी अथॉरिटी इज वॉयलेटिंग एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट, दैट इंडिविजुअल कैन इशू अ लीगल डॉक्यूमेंट, अ रिट पिटीशन टू रिक्वेस्ट कि उनको उस फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन से हटाया जाए, उनका वॉयलेशन हटाया जाए, वापस लिया जाए. ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स इक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट. रिट पिटीशन तब फाइल होता है जब किसी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है बाय स्टेट और एनी ऑफ इट्स एजेंसीज. इसका मतलब क्या है? It means to ensure that the state respects and protects the rights of its citizens. ठीक है, इसलिए आर्टिकल 32 के अंदर में आपको रिट पिटीशन की फैसिलिटी मिली है. फर्दर पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का रोल समझिए रिट के केस में. पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स. पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को टू इशू दीज रिट्स, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन आज तक मेंशन नहीं किया गया है कि लोअर कोर्ट्स करेंगे या नहीं करेंगे. इसलिए टिल डेट ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स. ठीक है, तो ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स एंड नॉट अदर कोर्ट्स. ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, बैकग्राउंड में समझेंगे कि रिट का प्रचलन कैसे आया था. तो बिफोर 1950s सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास को पावर दी गई थी कि वो रिट्स इशू करें. रिट्स के जो प्रोविजन हैं वो बोरो हुए हैं इंग्लिश लॉ से, जहाँ पे इनको कहा जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स. विच मीन्स कि क्यों कहा जाता है प्रेरोगेटिव, क्योंकि ये एक्सरसाइज होते थे इन प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग. वहाँ पे एक एम्परर मोनार्क सिस्टम है, तो किंग हु वॉज एंड इज स्टिल डिस्क्राइब्ड एज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, तो किंग इज द वन हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, इसलिए प्रेरोगेटिव वहाँ पे रिट्स को कहा जाता था. ठीक है, लेटर द हाई कोर्ट कट लेटर द हाई कोर्ट स्टेटेड इशूइंग दीज राइट्स as extraordinary remedies to uphold rights and liberties of the British people. ठीक है, तो इन रिट्स को इशू करके आप extraordinary remedies दे रहे हो और liberties को grant कर रहे हो. ठीक है, now let's talk about a very important aspect. Supreme Court और High Court के बीच में, writ petition के बीच में अगर कोई difference है तो वो क्या है. ठीक है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के बीच में इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन रिगार्ड टू इशूइंग रिट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स only for the enforcement of fundamental rights. The writ jurisdiction of Supreme Court is narrower than the High Court. ठीक है, whereas High Court में क्या है, they can issue writs not only for enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. The expression for any other purpose का मतलब इट रेफर्स टू एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट. फंडामेंटल राइट के साथ साथ ऑर्डिनरी लीगल राइट को भी एनफोर्स करने का प्रोविजन हाई कोर्ट को दिया गया है. हाई कोर्ट के प्रोविजन में मैंशनड है अंडर आर्टिकल 226. राइट, अनदर डिफरेंस इज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडियन टेरिटरी के अंदर में गवर्नमेंट या किसी इंसान के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर रिट इशू किया जा सकता है. द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग रिट्स इज वाइडर दैन द हाई कोर्ट. समझते हैं कैसे. हाई कोर्ट में क्या प्रोविजन है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को लेके वो समझिए. हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट अ पर्सन
रिजाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओनली. हाई कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में इफ एन इंडिविजुअल इज फॉलिंग, इफ ए गवर्नमेंट बॉडी इज फॉलिंग जो कि राइट वॉयलेट कर रहा है, हाई कोर्ट सिर्फ उसी अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में ही रिट इशू कर सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट. और आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओनली इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. अगर बाहर अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर वो रिट इशू कर रहा है, वो एक ही केस में पॉसिबल है अगर कॉज ऑफ एक्शन, जो कॉज ऑफ एक्शन है वो इनिशिएट हुआ है उनके ज्यूरिसडिक्शन में, उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में. इन ओनली दैट केस दे कैन इशू रिट आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, तो इस सेंस में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है, वो पैन इंडिया इंडियन टेरिटरी में इशू कर सकते हैं. अनदर डिफरेंस इज अ रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, वी हैव ऑलरेडी सीन. हेंस सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है. ठीक है, वेयर एज अ रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 is discretionary and hence a high court may refuse to exercise its writ jurisdiction. ठीक है, हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिस्क्रीशनरी है, वो उनके ऊपर है, दे मे रिफ्यूज. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है बिकॉज आर्टिकल 32 में प्रोवाइड की गई रेमेडीज इन इटसेल्फ आर अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, so these were the major and very important differences. Another aspect is article 32 does not merely confer power on supreme court as article 226 does on a high court to issue writs for the enforcement of fundamental rights or other rights as a part of general jurisdiction, right? The Supreme Court is thus constituted as the defender and guarantor of the fundamental rights. कभी सवाल आए कि defender and guarantor of fundamental rights किसको कहा गया है, तो वो Supreme Court है. Constitution मत कहिएगा, confusing options मिलेंगे. Supreme Court को बोला गया है. ठीक है, Supreme Court is the defender and guarantor of the fundamental rights. नाउ सिंस वी नो कि रिट एक तरीके की रेमेडियल रिक्वेस्ट है, एक रेमेडी है जो कि दी जाती है जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है. रिट्स के पांच टाइप समझते हैं. पहला है हबीस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सर्शररी, फिफ्थ इज को वारंटो. तो एक एक करके इसको समझिए, ईजी है, याद रखिएगा, बड़ा आसान है लेकिन याद भी रखिएगा. तो इट्स अ लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. हबीस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ. अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, ठीक है, और उनका डिटेंशन इलीगल है, तो कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि आप उस बॉडी को प्रेजेंट करिए हमारे सामने. और अगर उनका डिटेंशन इलीगल मिला तो उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा. ठीक है, उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक क्या है हबीस कॉर्पस में मेंशन्ड. इट्स अ लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. इट इज एन ऑर्डर, ये ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू करता है टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन. किसी भी, वो पुलिस हो सकती है, वो कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो सकती है, उनको कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप उस बॉडी को हमारे सामने ले आइए. ठीक है, द कोर्ट देन एग्जामिन करता है कि जो उनका रीजन है डिटेंशन का वो वैलिड है या नहीं. अगर वो वैलिड है तो ठीक है, अगर वो इनवैलिड मिलता है तो उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा. एंड ऑल्सो द एग्जेम्पलरी डैमेजेस वुड बी
अवॉर्डेड इलीगल पाया गया है उनके डिटेंशन को, तो उनको इमिडिएटली रिलीज किया जाएगा एंड साथ ही साथ उनको एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएंगे. ठीक है, इट वुड सेट द डिटेन पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल. दस दिस रिट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन. एक केस था रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि हबीस कॉर्पस का केस है. इस केस में क्या हुआ था कि रुदुल शाह ऑलरेडी अपने उनकी उनको जो सज़ा मिली थी, उन्हें जो कोर्ट ने पनिशमेंट ग्रांट किया था, उस पनिशमेंट को के टाइम पीरियड को वो एक्सीड कर चुके थे. वो 14 साल एक्स्ट्रा काट रहे थे अपनी सज़ा को. तो उनके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स ने किसी ने अप्रोच किया होगा और कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर किया कि इनको सामने लाया जाए, इनको प्रोड्यूस करिए. और जब ये पाया गया कि उनकी सज़ा ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और वो 14 साल एक्स्ट्रा ही वॉज इनटू दैट पनिशमेंट, तो उनको इमिडिएटली रिलीज किया गया और साथ ही साथ एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी अवॉर्ड किए गए. ठीक है, तो हर रिट के साथ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द केसेस. याद रहता है, काफ़ी ईजी है. ऐसे केसेस कहीं मैंशन नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा. तो किस केस में इशू होता है हबीस कॉर्पस और किस केस में नहीं, लेट्स सी दैट. हबीस कॉर्पस इशू किया जाता है बोथ अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू होती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू होती है. बट इन्हें नहीं इशू किया जा सकता तीन केसेस में. फर्स्ट इज अगर कोई डिटेंशन लॉफुल है, उस केस में नहीं किया जा सकता ये रिट इशू. इफ द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर का केस है, प्रोसीडिंग है, इन दैट केस हबीस कॉर्पस कैनॉट बी इशूड. ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन है जहां पे हबीस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता है, दैट इज योर इफ द डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो इन तीन केसेस में हबीस कॉर्पस को हम इशू नहीं कर सकते. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिट, विच इज मैंडमस. तो मैंडमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड. राइट, तो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने से रिफ्यूज कर दे या फेल हो जाए किसी भी रीजन से, इन दैट केस कोर्ट उनको कमांड करेगा. ठीक है, कि आप को आपकी पब्लिक ड्यूटीज, आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज को करना पड़ेगा. ठीक है, इट इज़ अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म. इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट. ठीक है, इसका एक केस था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्प वर्सेस लोटस होटल का केस. इस केस में ये बात हुई थी, समझ लीजिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके. तो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल्स को कहा कि आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करिए और हम आपको फंड रिलीज कर देंगे. तो लोटस होटल वालों ने कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया, बट गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने फंड रिलीज नहीं किया. तो लोटस होटल वाले दे जस्ट वेंट एंड दे अप्रोच द गुजरात हाई कोर्ट एंड कोर्ट देन कमांडेड कि नाउ यू हैव टू, सिंस इट इज़ योर पब्लिक ड्यूटी, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, नाउ यू हैव टू रिलीज द फंड. ठीक है, तो आफ्टर अप्रोचिंग द गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने फिर फंड को रिलीज कर दिया था. सो दिस इज अबाउट द मैंडमस. किस केस में मैंडमस को आप इशू नहीं कर सकते हैं? देर आर सिक्स केसेस. अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी. सेकेंड इज टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पॉजेस स्टैट्यूटरी फोर्स. थर्ड इज व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी. फोर्थ इज टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. फिफ्थ इज अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हु इज परफॉर्मिंग एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी. And last is President of India or the governors of the state. In 6 conditions mein, you can't issue the writ of mandamus. Now the third type of writ is prohibition. ठीक है, तो prohibition और जो चौथा type है certiorari, these are related
टू समवॉट एक्सटेंट, अभी देखते हैं कैसे रिलेटेड है. पहले प्रोहिबिशन समझिए. एज द वर्ड इटसेल्फ सेज, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, टू प्रोहिबिट. ठीक है, तो प्रोहिबिशन की रिट जो है वो इशू करते हैं हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को टू प्रिवेंट कि अगर वो किसी भी केस में, देर आर थ्री कंडीशंस, उन कंडीशंस में ये रिट इशू होती है. फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, सेकेंड इज लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एंड थर्ड इज नेचुरल लॉ या नेचुरल जस्टिस. तो इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और टू टेक पोजेशन ऑफ एनी ज्यूरिसडिक्शन जो कि उनके पॉजेस में नहीं है, जो उनका राइट नहीं है. ठीक है, तो दे बेसिकली दे प्रिवेंट एनी सच इंस्टेंस टू हैपन. तो मैंडेमस क्या कर रहा था? मैंडेमस डायरेक्ट कर रहा था एक्टिविटी को. मैंडेमस दैट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी. तो ये बेसिकली ये प्रिवेंट कर रहा है ना किसी एक्टिविटी को होने से. तो मैंडेमस इज डायरेक्टिंग एक्टिविटी, वेयर एज प्रोहिबिशन इज डायरेक्टिंग इन एक्टिविटी. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि किन केसेस में प्रोहिबिशन इशू किया जा सकता है. इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट judicial and quasi judicial authorities only. Very important to note, sirf judicial and quasi judicial authorities ko leke hi prohibition ka writ issue kiya ja sakta hai. It is not available against administrative, legislative ya private individual bodies. Very important to note. Right, now let's talk about certiorari. Certiorari is somewhat related or somewhat same with the somewhat similar to prohibition. The only difference is prohibition prevent करता है किसी instance को होने से पहले, certiorari किसी instance के होने के बाद उसको prevent करना और उसको cure करना. तो certiorari ये बताता है, right? तो literal sense में certiorari का मतलब है to be certified or to be informed. तो कोई भी higher court, किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, इफ़ दैट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज हैविंग पेंडिंग केसेस और इफ़ दे आर एक्टिंग आउट ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन, राइट, इन दोज केसेस हायर कोर्ट जो है कह सकता है कि यू कैन, यू जस्ट ट्रांसफर दोज केसेस, इन्फॉर्म मी अबाउट दोज केसेस, और हायर कोर्ट्स चेक करेगा लीगैलिटी ऑफ सच लॉज जो कि उस केस में पास किए गए हैं बाय द लोअर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल. अगर वो लीगल नहीं है, हायर कोर्ट कैन क्वॉश दोज लॉस, उसको ख़त्म कर देगा उस लॉ को, राइट. तो इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लैटर टू इटसेल्फ और टू क्वॉश द ऑर्डर ऑफ द लैटर इन द केस. किन ग्राउंड्स पे इशू होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किन ग्राउंड्स पे ये इशू होते हैं. फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, सेकेंड इज लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एंड थर्ड इज एरर ऑफ लॉ या अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस. ठीक है, इन केसेस में सर्शररी इशू किए जाते हैं. तो अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव है, सर्शररी आपका प्रिवेंटिव भी है और क्योरेटिव भी है. प्रिवेंट भी कर रहा है और क्योर भी कर रहा है प्रीवियसली. अब कहाँ कहाँ इशू कर सकते हैं? तो पहले बिफोर 1991 certiorari was only issued against judicial and quasi judicial authorities, but in 1991 supreme court ruled ki aap certiorari ko even against administrative authorities which are affecting a right of individual, unke bhi against you can issue certiorari writ. theek hai, to now certiorari writ can be issued against three bodies, judicial, quasi judicial and administrative. However, like prohibition, they also cannot be issued against legislative, private or government bodies, right? अब last जो type है वो है co warranto. इसको एक real life example से समझिए. जैसे आप सभी ने, या तो आप कॉलेज में होंगे, आपने कॉलेज पास कर लिया होगा, एंड विद दैट आई अज्यूम
कि आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपने उस कॉलेज के एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास किया होगा, या तो उस कॉलेज में ट्वेल्थ बेस्ड मेरिट, ट्वेल्थ के मार्क्स की मेरिट बनी होगी, या एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, तो आपने उसको पास किया होगा. बट समहाउ इफ एनी इंडिविजुअल ही डज नॉट पासिस दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इन टू दैट कॉलेज, और उसको सिंपली एडमिशन मिल जाता है बाय किसी भी तरीके से, तो दैट पर्सन इज वल्नरेबल कि उसको किसी भी टाइम उस ऑफिस उस कॉलेज से निकाल दिया जाए, वो कभी भी निकाला जा सकता है. ऑल राइट, तो को वारंटो भी ऐसा ही कुछ है जो कि लिटरल मीनिंग में कहता है बाय वॉट अथॉरिटी, तो किस अथॉरिटी से आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, दिस इज वॉट इज मेंट बाय को वारंटो. इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इन टू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल पोजेशन. बेसिकली एक इलीगल पोजेशन को प्रिवेंट कर रहा है ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, राइट? तो बाय वॉट अथॉरिटी आर यू क्लेमिंग द पब्लिक ऑफिस, दिस इज वॉट इज मेंट बाय को वारंटो. किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? इट कैन ओनली बी इशूड इन केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर कोई पब्लिक ऑफिस किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है, ओनली इन दैट केस को वारंटो रिट कैन बी इशूड. बट दे कांट बी इशूड इन केसेज ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, ठीक है? और एक खास बात है को वारंटो की, अनलाइक फोर अदर रिट्स जिनको कि सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन या उनके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव ही इशू करा सकते थे, को वारंटो की रिट को एक स्ट्रेंजर भी इशू कर सकता है. तो इट कैन बी इशूड बाय अ स्ट्रेंजर, ठीक है? कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो भी इसको इशू कर सकता है, ठीक है? सो दिस वॉज दी मेन डिफरेंस इन बिटवीन को वारंटो एंड अदर फोर रिट्स. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड With this, we are on the verge of completion of fundamental rights. जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी I'll discuss in the next video. Along with that, I'll also start the DPSPs. And also, biodiversity की series जो start थी उसको भी हम continue करेंगे, ठीक है? So, thank you and I'll see you in the next video.